तोता और ज्योतिष। जबलपुर नाम के गांव में भीकू नाम का एक तोते वाला ज्योतिष रहता था। वो गांव-गांव तोते के साथ घूमता हुआ भविष्य बताता था। वास्तव में वह कोई ज्योतिषी नहीं था, वो व्यक्ति की कमजोरी को भांप कर ज्योतिष बताता था। एक दिन एक गांव में ज्योतिष बताता हूँ, जो बीता वो बताऊंगा, जो होगा वो बताऊंगा। जादुई तोता है, चमत्कारी तोता है, आओ आओ। ऐसे आवाज देते हुए तोते के पिंजरे के साथ जा रहा था। चलते चलते उस गांव के चौपाल के पास जा पहुंचा। वहां एक बूढ़ा, बेटा जरा मेरी भविष्य बताओ। भीकू, तोता राम, प्यारे तोता राम, इस ताऊ जी का भविष्य बताओ, इनकी परेशानियां दूर करने के कोई उपाय बताओ। कहते हुए उसने तोते को इशारा किया। तब तोता पिंजरे से बाहर आकर उसके बताए हुए पत्ते को उठाया। उसमें लक्ष्मी जी की तस्वीर थी। तोता अंदर चला गया। भीकू, आपको लक्ष्मी जी की कृपा है, आज से आपके सारे दुख दूर हो गए। इस ताबीज की कीमत 500 रुपए है, इसे बांधने पर लक्ष्मी जी की कृपा होगी। वो बूढ़ा 500 रुपए देकर ताबीज लेकर चला गया। भीकू शाम को एक जगह जा ठहरा, एक फल खाना शुरू किया। मालिक, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए फल दो ना। सत्यानाश, दिन में एक बार खिलाता हूँ काफी नहीं है, निकम्मा तोता, बेकार तोता, कहकर डांटने लगा। उसकी बातों से तोता को बहुत गुस्सा आया। इसको जरा भी एहसान नहीं है, इसके इशारे में मैं तस्वीर निकालता हूँ फिर भी खाने को नहीं देता है, खुद गर्ज, इसको सबक सिखाना ही होगा। एक दिन एक सिपाही, भीकू तुम्हारे तोते वाले भविष्य के बारे में महाराज जी को पता चल गया, वो अपने भविष्य तुमसे जानने के लिए उत्सुक हैं, तुम्हें तुरंत दरबार में लाने के लिए मुझे भेजा है। दोनों एक जंगल के रास्ते से महल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर तेज धूप के कारण दोनों थक गए, एक पेड़ के नीचे आराम करते करते सो गए। इतने में वहां एक बंदर आया। वो पिंजरे में तोते को देखकर हैरान था। तोता, मित्र मैं ज्योतिष वाला तोता हूँ, तुम जल्द ही राजयोग प्राप्त करने वाले हो, तुम्हारी स्वयं महाराज ही सेवा करेंगे। बंदर, मैं तुम्हारी विश्वास क्यों करूं, मैं जंगल से महाराज के पास कैसे जा सकता हूं भला। तोता, यही तो ग्रह बल है, तुम इस पिंजरे को खोलोगे तो मैं और गौर से तुम्हारी ग्रहों की अध्याय कर तुम्हें बता सकता हूँ। बंदर सहमत होकर पिंजरा खोला, तोता तुरंत बाहर आ गया। इतने में भीकू जागा और तोते को देखा। भीकू, रुको रुको, तोता राम बाहर कैसे आए। तोता, बंदर मित्र मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं जानता, तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ नहीं तो ये तुम्हें पकड़ लेंगे। बंदर तेजी से वहाँ से भाग गया, तोता भी उड़ गया। भीकू, तोते के बगैर महाराज को भविष्य कैसे बताऊं। सैनिक, वहाँ कोई तोता मिलेगा उससे बतलवा देना, चलो चलो। तब भीकू ने अपनी करतूत के बारे में बताया। महाराज ने ये जब जाना उसे कैद में डाला। तो बच्चों, हमें हमेशा अपनी मदद करने वाले का एहसान मानना चाहिए, नहीं तो अपना ही नुकसान है ना।